आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 40वें तथा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करने आ रही कुलाधिपति आनंदीबेन के कार्यक्रम स्थलों की तैयारियों का मंगलवार को जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के दिए निर्देश। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह का मंगलवार को किया गया पूर्व अभ्यास। बुधवार को महामहिम द्वारा टॉपरों को किया जाएगा सम्मानित। कुलपति ने कहा, तैयारी है पूरी। एसएसपी ने पुलिस चौपाल का बदला स्थान और समय। अब संवेदनशील गांव में पुलिस लगाएगी चौपाल, सुनेगी जनता की शिकायत तथा करेगी समाधान। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई गड्ढा मुक्त सड़कों से संबंधित बैठक। व्यवस्थित ढंग से सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के दिए निर्देश। महानगर के वार्ड संख्या 42 पुरतिलपुर में गरीबों और असहायों को किया गया कंबल का वितरण। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा, गरीबों को कंबल का वितरण है एक पुनित कार्य। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक। ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाने वाले ओवरहेड टैंक निर्माण में तेजी लाने के दिए निर्देश। मंगलवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 360 केंद्रों पर कुल 29,056 लोगों को लगाया गया कोरोना रोधी टीका। पहली डोज लेने वालों में 8,341 तथा दूसरी डोज लेने वालों में 20,715 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। पूर्वांचल छात्र महोत्सव सामाजिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत चित्रकला प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा संबंधित महाविद्यालय के छात्र व छात्राओं ने प्रतियोगिता में किया प्रतिभाग। आयोजक ने कहा, प्रथम द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को किया जाएगा पुरस्कृत। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की बैठक जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। ब्लॉक स्तरीय कमेटी के होने वाले चुनाव को सकुशल संपन्न कराने पर की गई चर्चा। और दो दिवसीय जनपद स्तरीय बेसिक बाल क्रीडा प्रतियोगिता का हुआ समापन। पिपरौली ब्लॉक बना ओवरऑल चैंपियन। दूसरे स्थान पर रहा खजनी। विजय प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत।